गाइस चलते हैं पनीर चिली बनाने रेसिपी। तो गाइस अब मैं पनीर रख रही हूँ, ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी वाला तो ऐसा ही होगा, आप सब देख सकते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे आप सब? मैं बढ़िया हूँ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरी परी भी स्वागत करती है आपका। तो आज हम लोग जा रहे हैं, पहले देख लीजिए कौन कौन है। उज्ज्वल है, साक्षी है और इधर मेरा किचन है। तो मैं जा रही हूँ अपने किचन में शिमला मिर्च आप देख कर, सॉरी गाइस थोड़ा मैं बन के बोल रही हूँ क्योंकि बहुत क्यों हंस रहा है तू? हम लोग ज्यादा इंटरव्यू किचन में कर रही है। तब मेरा किचन है, मैं इतना क्लीन रखी हूँ, देख सकते हैं आप सब। तो गाइस मैं शिमला मिर्च मंगाई हूँ क्योंकि आज जा रही हूँ पनीर चिल्ली बनाने। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए, लो ना इसको। जोर होने लगी, कितना बंद दरिया है। हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो, हेलो जा रहे तो जा, हेलो बोलो जा, परी परी हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो, हेलो बोलती है अभी मैं बोलेगी, बोलो ना बेटा हेलो। बाय 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 बोल दो, अब बोल देगी, बाय बाय बोल दो, बाय 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 बोलो। तो चलिए गाइस चलते हैं पनीर चिली बनाने रेसिपी और आप सब ब्लॉग बन रही है, आओ जो थोड़ा बना दो। जब अभी भी दे दो साक्षी को, ऐसी भाव खा रही है साक्षी, अभी के थोड़ा अच्छा से घुमा दो। हम जा रहे हैं, पकड़ो इसको, हम जा रहे हैं। एक ऐसे परी बाय बाय परी बाय बाय जा रहे जा जाए सिखाई नहीं रो रही है। मत मांगो, इधर आना, ले जा साक्षी उधर थोड़ा घुमाना। तो गाइस देखिए मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ। इसमें क्या क्या डालता है तुमको पता भी है? मेरा कुकिंग चैनल देखा है? एक टाइम में मैं कुक करती थी। ओ, एक टाइम में करती थी, पता चल गया कि नहीं करती हो? हाँ पता चल गया है क्योंकि तुम सब बहुत मजे से खाता था और मेहनत मैं करती थी, सो इसलिए इसको ना ऐसे ऐसे कट कर लेंगे। इसमें का बीज निकाल देंगे, इसी में रख देंगे। हाँ मतलब ये सब निकाल देना है, ये जो है। अब सुनो ना, नीचे प्याज रखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा अच्छा से देखो उसमें, देख के दो क्योंकि छोटा छोटा भी है। कहाँ पे? मीडियम साइज नीचे है। तुम क्या रो रही है? ये रो रही है तो पता चल रहा है क्यों रो रही है। यार प्याज कट करने का नहीं, इसीलिए मेरा मन नहीं करता है। पूछो प्रीत, एकदम परेशान करके रोक दिया रे। गर्मी भी कितना लग रहा है यार, क्यों रो रही है बता? परी इधर देखो, जा कैमरा इस तरफ देखो। हवा रहे, प्याज काटना है, प्याज साक्षी की तो बॉबी के देखो ना, हटो बॉबी को सुता दे का, चल सोएगी, इसको लग रहा है। तो गाइस मैं पनीर कट कर रही हूँ अब फटाफट से क्योंकि मेरी बेटी भी तो परेशान कर रही है, इतना छोटा छोटा कट कर रही हूँ। चलेगा उजल बोल रहा ना, बड़ा बड़ा पनीर काटना बड़े यार, बड़ा बड़ा मैं काटूंगी, पैसा तुम देगा। एक तो इतना दिन से ला कर रखी है सोया सॉस चटनी वगैरह, बना नहीं रही थी, एक मंथ से ज्यादा हो गया, दो मंथ अब जाके बना रही है, उसमें भी कंजूसी। भाई मेरा पति देंगे तभी तो, मेरे पति जो देंगे खरीदी वही तो बनाऊंगी, तो मेरे पति दिए इतना ही मैं। और देखिए ऐसे मत कीजिए, मैं कंजूस भले मैं उसमें हूँ, पनीर नहीं मंगाई ज्यादा, पर मैं शिमला मिर्च प्रॉपर रखी हूँ, प्याज प्रॉपर रखी हूँ क्योंकि पनीर कौन पूछता है, ये हम लोग खाएंगे अच्छे से। क्या फ्राई पैन में अटेगा या नहीं देखते हैं। इधर इधर आ जाओ, कॉर्नफ्लावर की तरफ
फर्स्टली कॉर्नफ्लावर आता है ना बनाने पहले। ओ हेलो पनीर चिली माय यूट्यूब चैनल जानवी कुकिंग गो यू सर्च गो एंड सर्च कट कर दीजिएगा नहीं आता इंग्लिश नहीं कट नहीं करना है गो यू सर्च गो यू सर्च गो सर्च माय यूट्यूब चैनल क्या हो गया बहुत लोग जितना लोग ब्लॉग देख रहे हैं हमको नहीं लगता है किसी को आता होगा उतना इंग्लिश मैं अकेले में इंग्लिश अच्छा से बोलती हूँ गाइस तुमसे अच्छा इंग्लिश हम मन में बोलते हैं वही तो मेरा भी बात है देखो ना कॉर्नफ्लावर ज्यादा नहीं रखा जाता है इसमें ओ तुम बताएगा यस जानवी कुकिंग को बताएगा जानवी कुकिंग के पीछे हम ही खड़ा थे कि हाँ यही करो यही करो हाँ पीछे खड़ा था पीछे फॉलोवर्स है मेरा बनाने रेसिपी बनाने थे उसके पीछे खड़े थे कि हाँ ये डालना है ये नहीं डालना है ठीक है चलो मिर्च पाउडर इसमें फाड़ के रखो नहीं आता है फाड़ कैसे फाड़ा जाता है फाड़ के उसमें डालो कैसे फाड़ा जाता है रुको फिलहाल तो इसके लिए है इसमें मिर्च पाउडर रखते रहो पांच वाला शिमला मिर्च प्याज और गाइस आप टमाटर भी रख सकते हैं काट कर बारीक टमाटर तो हम नहीं देखे भाई किसी को रखते हुए हाँ रख सकते हैं सॉस के लिए सॉस टमाटर सॉस तो है ये गाइस यहाँ पे है लहसुन अदरक का पेस्ट जिंजर गार्लिक का पेस्ट हाँ वही सुनो ना थोड़ा मसाला काम क्यों दिख रहा है इतना तेज में मसाला थोड़ा चाहिए सुनो ना फ्राई करने के लिए नहीं चाहिए ये थोड़ा सा बेसन रख दे क्या इसमें नहीं बेसन कहीं खराब हो जाए नहीं होता है बेसन वाला एक तुमको याद है बेसन में फ्राई करके बनाए थे कितना बड़ा बड़ा फूला था कितना बेकार बना था किधर कसम खा जा बहुत बोलता है याद भी नहीं है टेस्ट उसका हाँ याद थोड़े ना रहेगा माचा बोले फाड़ के रखने के लिए यार फोन है मेरे काम में नहीं कर रहा है फोन है ब्लॉग शूट करेगी माचा फाड़ के रखे बहुत ऐसे ऐसे घुमा रहा है जो कट करता है उसको ना प्रॉब्लम होता है तुम्हारे से नहीं होगा वाले सुनिए कट भी नहीं करना पड़ेगा ब्लॉगिंग करने का तरीका आना चाहिए इतना सिखाते हैं फिर भी इसको नहीं आता है ओ हेलो मेरा चैनल मोनेटाइज है हाय उससे फर्क नहीं पड़ता है ब्लॉगिंग करने आना चाहिए चलो थोड़ा आती बारो बारो जल्दी कवर हटाओ फोन का नहीं तो मेरी बेटी लगेगी परेशान करने लाइटर वहां पे मिर्च पाउडर का डिब्बा हटाओ मिर्च हटाओ रुको रुको फ्राई पे रुको ना यार मेरा गैस खत्म करने आया है क्या तू मैं कंजूस बन रहा हूं लोगों कमेंट करो हाँ कंजूस क्या मतलब बाहर के गैस मतलब जो हाउस वाइफ होती है ना उससे पता होता है ठीक है ये आया बाहर के गैस ऐसे रख दिया बताइए मैं सही हूँ या गलत हूँ ये पूरा कंजूस कहेगा कमेंट आएगा ये कुछ भी कमेंट नहीं आएगा लोग बोलेगा अच्छा ठीक है कमेंट आएगा इसमें फ्राई करके सरसों तेल में हाँ ये वाला ना सरसों तेल में अच्छा और बताइए गाइस और कोई खुश हो या ना हो मेरे कंजूस होने से आप सबका कमेंट अच्छा अच्छा आया नहीं है पर मेरे ससुराल वाले पूरा खुश होंगे कि मेरी बहू कंजूस से अच्छा बात है मेरे बेटे को नहीं लूटेगी आई एम राइट वाओ आज होगा इसका यूज अब इसके बाद से बनाऊंगी ना तो गाइस इसमें ऑयल रख दी हूँ फ्राई करने के लिए इसे मैं बनाने भी लगूंगी मैं कुछ देखो ना कुछ बाकी नहीं ना है कुछ बाकी नहीं ना है तुम गाता है ना बनाने देखो मतलब फिर भी याद थोड़ा होता है ना बस हो गया जैसे भी बनने खाना ही है ना सॉस वगैरह उतार लो वहां से ओके सॉस छूट जाएगा क्या विनेगर और विनेगर ओ माय गॉड उठ नहीं रहा है चलो जल्दी जल्दी यहाँ पे रखते हैं तो चलिए गाइज क्या क्या है क्यों रो रही है इतना क्या परी क्या हुआ है साक्षी ब्लॉग देख लेना तुम तुम ले जाना थोड़ा उधर घुमा देना क्यों नहीं रह रही है बता दो
इधर बहुत आधा दो मिनट बाद आधा पड़ जाएगा ना टाइम की तो हो जाएगा जा पानी का मतलब जाकर रख दो वाओ अगर एक और पनीर होता ना तुम लाता तो हो जाता बात बन जाता वैसे गाइस मैं बता दूं जो पनीर खाता होता है एक दिन पिज्जा बनाया जाए पिज्जा रहने दो क्या सब डिश का नाम खराब करेगी पनीर चिली का ही रहने दो चलो चलो रहने दो बना लेती हूँ मैं लास्ट में पता चलेगा टेस्ट करके वाह अरे बाप रे जल रहा है वाह वाह जी वाह बताओ उसको सही गल जाएगा पूरा वाह पता चल गया कितना चाय बनाने मिर्ची पूरा जला दी चार पिन कर दी अरे जला थोड़े है पागल है ठीक है इस तरह अच्छा लगेगा कि नहीं खाने में अच्छा लगेगा तो निकाल ऐसे के तो जला खाया कीजिए तो निकाल के तो एक दो खाया जाए इस तरह बोले हैं बिना बनाए हुए गाइस बोले मैं हरी मिर्च रखूंगी ना तो फिर जलने लगेगा सॉरी उड़ने लगेगा एक मिनट से जीरा रख दो क्या ये भी उड़ रहा है इसमें कमी नहीं लग रहा किस चीज का पनीर चिली का टमाटर वमाटर रहता ना वो नहीं रखा जाता है नहीं मतलब रहता ना तो एकदम कलरफुल लगता है उसके लिए सॉस वगैरह है नहीं सोया सॉस मत रखना ज्यादा ब्लैक मत बनाना पिछली बार की तरह इसमें मिर्च पाउडर इसको फ्राई होने देते हैं थोड़ा बहुत और इसमें मिर्च पाउडर दिखा मिर्च पाउडर घोर के उसमें रखने के लिए थोड़ा सा तीखापन है स्पाइसी होगा फूड कलर फूड कलर नहीं है पागल फूड कलर रख दो ज़्यादा पानी ना हो गया वो रखना नहीं संभव है ये मतलब अदरक और लहसुन का पेस्ट अगर कट कर दिया होता ना तो तुमको नहीं बुझाता तुम नहीं बोलता कि कुछ कमी लग रहा है ना वो फोड़न के लिए कुछ रखा जाता है उसमें वही ना मिर्च उतना ही रहता इतना सारा कॉर्नफ्लावर रखा कोई बात नहीं एक दिन लस्सी बनाएंगे कॉर्नफ्लावर का लस्सी बनता है क्या होता है वो कस्टर्ड कस्टर्ड पाउडर चलिए गाइस फाइनली अब हम रखेंगे शिमला मिर्च वैसे गाइस इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं अगर मैं प्रॉपर बनाऊंगी तो फिर गाजर भी हम लोग खरीद सकते थे मतलब इसमें बहुत कुछ ऐड हो सकता है पर हम लोग बुझाए किसका बनाए जितना सिर्फ घर में था उपलब्ध नहीं तो बहुत कुछ का बना सकते हैं हम लोग बहुत कुछ डाल सकते हैं ऐसा नहीं है पनीर चिली बस इतना ही सामान का बनता है पर मुझे लगता है ना आप सबको यही अच्छा लगेगा जो मैं बना रही हूँ क्योंकि उतना सामान कोई खरीदना भी नहीं चाहता है मार्केट जाकर बस मैं एक शिमला मिर्च और अदरक खरीद रहा हूँ तो गाइस अब ये थोड़ा ना फ्राई हो गया ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आप इससे भी कम फ्राई कर सकते हैं अब मैं इसमें रखूँगी
पहले मैं रखूंगी मिर्च, जो देखिए मैं घोली हूँ पानी में, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसके बाद मैं रखूंगी, फर्स्ट टाइम मैं सोया सॉस रख रही हूँ। सोया सॉस ना बहुत ज्यादा रखा जाता है इसके, ज्यादा नहीं रखो कला पड़ जाएगा, हो गया ना, थोड़ा कम ही रखा जाएगा, ज्यादा कम भी रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ये डार्क सोया सॉस है तो सो रखो क्या? नहीं रहने दो। अब मैं रखूंगी चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, या ग्रीन चिली सॉस। इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ, ऐसे 2-3 चम्मच रख सकते हैं आप। उसके बाद मैं रखूंगी टमाटो केचप, इसे भी 2-3 चम्मच रखें। ग्रीन चिली सॉस थोड़ा रखा, बहुत ही टेस्टी। विनेगर नहीं रखी हो? हाँ रखूंगी अभी बाबा, अपना क्रेडिट लेना चाहता है इसलिए तो मैं सामने रखी हूँ। ये गाइस सॉरी, ये बोलूंगी तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, पानी मत समझिएगा, ये है विनेगर। ये मेन काम ये भी करता है, मतलब थोड़ा सा इसे रखेंगे, मेरा अंदाज है, मतलब 2-3 चम्मच में रखती हूँ क्योंकि मैं बनाई हूँ बहुत बार, बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। और इसमें तो स्पेशल चीज नहीं, इसमें तो स्पेशल चीज और भी है, और इसमें मैं रखूंगी ब्लैक पेपर, क्योंकि मैं अलग से मंगाई, इसे मिक्स करके मैं हो गया। गाइस खुशबू आना स्टार्ट हो चुका है गाइस, वाह। मुझे एक चीज का बुरा लगता है, माँ तो टेस्ट कर ली है मेरी कैसा, मतलब मैं बनाती हूँ, पापा भी टेस्ट कर लिए हैं, मेरे भाई से भी टेस्ट कर लिया है, बस एक मैं अपने सास ससुर को टेस्ट नहीं कराई हूँ, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। हमेशा बोलता था लोग कि बनाओ, इतना वीडियो बनाती थी, अभी नहीं बना रही है, नहीं खिला रही है, तो मतलब टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे बनाकर खिलाने के लिए। बहुत दिन तक तो मैं खाना नहीं बनाती थी क्योंकि वहाँ पे रसम होता है हाड़ी छूने का, वो मैं नहीं छुई थी 6 मंथ तक। उसके बाद बात नहीं कर रही, उसके बाद मतलब मैं यहाँ पे आ गई, मायके कभी आ जाती थी कभी यहाँ पे आ गई, और मेरे हस्बैंड का मतलब अब तो बना के आज खिला दूंगी, उनको भी नहीं बनाई थी वहाँ पे, मैं एक रोल बना कर खिला चुकी हूँ पहला बार, और मोमोज भी बना कर खिला चुकी हूँ, बस पनीर चिली और कुछ चीज है नहीं खिलाई। तो यहाँ पे मैं अपने सास को बोलती हूँ, ससुर को बोलती हूँ, पापा जी को आने के लिए, तो हो गया, ये बोलने नहीं दे रही, सूट भी नहीं करने दे रही क्या। तो गाइस इसमें नमक भी रखना जरूरी है, और याद रखिए सोया सॉस में होता है नमक, तो उसके अकॉर्डिंग ही रखे। देखिए मैं पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लावर रखा जाएगा ना, तो इसमें था वो क्या बोलते हैं उसको, अदरक और लहसुन का पेस्ट था, तो इसलिए मैं उसमें पानी रखती हूँ, और जितना पानी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। पनीर के लिए अभी पनीर अभी नहीं रखेंगे, थोड़ा देर में रखेंगे। अब मैं रखूंगी कॉर्नफ्लावर, कम नहीं है, नहीं पानी ज्यादा है ना इसलिए कॉर्नफ्लावर बहुत ज्यादा है, पानी में पहले इसको ऐड कर दीजिए। रुको ना पानी, रुको भगा देंगे बस इधर। तो देखिए इसको ना पूरा एक बार नहीं रखे, थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे मिक्स करते रहे, फिर रखिए। फिर इसको थोड़ा सा डालिए और मिक्स कीजिए। रेस्टोरेंट वगैरह में कलर फूड फूड कलर डालता है लेकिन इसीलिए दिखता है उतना रेड, ये भी तो रेड है, मिक्स कर ब्लैक हो जाता है। नहीं एक बार फूड कलर रख के नहीं बनाए थे, ये ना ठीक हो जाएगा। ठीक तो गाइज अब मैं पनीर रख रही हूँ, आप चाहे तो इससे पहले भी रख सकते हैं, बट मैं बाद में रखती हूँ पनीर।
पनीर थोड़ा कम है ना गाइस, इसको ढूंढना पनीर भुलाया गया उसी में। नहीं मुझे ग्रेवी पसंद है ना इसलिए, नहीं तो अगर हम लोग जितना लोग खाने वाले उसके हिसाब से बनाते तो ठीक था, पर अभी इसमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोग को ग्रेवी चाहिए है ना। तो गाइस अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और देख सकते हैं कितना थिक हुआ है, मतलब थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी वाला तो ऐसा ही होगा, आप सब देख सकते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छा है। मैं एक साइड से पकाई हूँ, एक साइड से ऐसे ही छोड़ रही हूँ, उज्जवल लगा है बोलना ऐसे ही छोड़ो जल्दी निकालो। हाँ ऐसे भी रहता है थोड़ा बहुत, देखो कितना चुप। हाँ ऐसा नहीं है, इधर से देखो, इधर से कितना अच्छा लग रहा है देखो, ऐसे रहता है पर ठीक है, एक साइड से वैसे रहता है, एक साइड से वैसे रहता है, दोनों को पसंद का बन गया। तो गाइस ये देखिए अब मैं बंद कर दी और इसको छोड़ देती हूँ, कुछ उज्जवल आते ही सो गया देखिए, और मैं परी की ड्यूटी में लग गई। कितना हैप्पी है मेरा बेटा, इस बात को और खुशी है कि परी भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेगी। तो चलिए गाइस ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल जानवी मनीष ब्लॉग, Instagram आईडी है मेरा janvi.manishsingh, Facebook आईडी है जानवी मनीष ब्लॉग, जाइए फॉलो कीजिए दोनों को, और यूट्यूब को भी फॉलो नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्या बोलने नहीं देती है, बाय बाय बोलो, और पनीर चिली का रेसिपी कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताइएगा, बाय बाय बोल दो जनता को बाय बाय, नहीं तो लोग बोलेगा ना कि आपको नहीं आता है बाय बाय बोलने, हमेशा ना गाइस रोड पे जाती है ना तो बोलती है बाय बाय सबको, टाटा टाटा करती है बोल के शर्मा रही है मेरा बेटा। चलो चलिए मिलते हैं गाइस।